अहमदपुर नया गांव आज हमारे साथ हैं। इस बार पंचायत चुनाव में 70% वोट पाकर जीत कराई नव निर्वाचित ग्राम प्रधान श्रीमती ज्योति जी के पति व ग्राम पंचायत सदस्य रविंद्र कुमार। आज हम जानने के लिए पहुंचे हैं, मात्र पिछले 4 महीनों में किए गए विकास कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे और गाँव वालों से भी जानेंगे। आपका नाम क्या है? सुशील कुमार जी, बताइए शिक्षा कैसी चल रही है आपसे? पहले 10 वर्षों में और अब 4 महीनों में कितना मतलब आप महसूस कर रहे हैं? शिक्षा का स्तर सही था और आगे भी रहेगा, क्योंकि सभी लोग अपने बहन बेटियों को अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और जो भी मजदूर टाइप के लोग हैं ज़्यादातर 70% जो सभी लोग अपने मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं। कुछ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, यहाँ सभी बहन बेटी से गवर्नमेंट अच्छा सरकार जी ने हमारे लिए सरकारी में कंप्यूटर का भी सेंटर है और पुस्तकालय बनवा रहे हैं और जो ये भी बन रहा है नया पंचायत भवन काम चल रहा है। शुरू से बच्चे अपना तैयारी कर रहे हैं, दूसरी जगह बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप कितना संतुष्ट हैं? मैं बहुत अच्छी तरीके से संतुष्ट हूँ, सब खुश हूँ और गांव के सभी लोग यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब हर चीज़ की व्यवस्था है, बहुत अच्छे हैं हमारे परिवार। भी आए दिन रात से? हाँ, रात कीर्तन करते हैं, रात में भी पुलिस कभी आ जाती है, नहीं यहाँ लोग जाते हैं। ये आपने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी? सब कुछ कर रहा है। तो पुलिस नहीं आती क्या? मेरी तो कर दें जी, आदमी तो उनके कोई बच्चा भी जी बोल भी नहीं सकता। तो इसमें क्या परेशानी है? मकान गिर गया पहले हमारा। अच्छा, दीवार गिरने की वजह से ये था। अच्छा, दीवार विवाद ना होती सही। अच्छा, ये दीवार से आपको मतलब है या नहीं? हाँ, बेनिफिट मिलेगा इससे, इसके होने से, दीवार के होने से ना सर इन्हें बहुत हो जाएगी ना, जब हो जाएगी। गौतम ने ये बताइएगा कि शौचालय है खुला हुआ है, यहाँ आपकी ड्यूटी क्या है? मेरी अम्मा जी है। तो आज अम्मा जी नहीं है आपकी? भी देखो जी, हमारे यहाँ इतना विकास हुआ है कि 10 साल में विकास नहीं हो पाया इतना जितना कि 4 महीनों में विकास हो पाया है। और जो है सफाई अभियान हमारे यहाँ पे चला है और जो है प्रकाश यानी कि लाइटों की सुविधा बहुत अच्छी वाली हुई है। इन्हीं 4 महीनों में सड़क का निर्माण हुआ है, जो यानी कि नया यानी कि बढ़िया अच्छी सड़क बन रही है, उसका निर्माण इन्हीं 4 महीनों में हुआ है। और सैनिटाइजर और जो मच्छरों की दवाई है वो भी चल रही है हमारे यहाँ, बराबर चल रही है। अच्छा, और जो है हमारे यहाँ आज समुदाय के यानी कि पंचायत घर जो है वो दोबारा से बन रहा है, उसका भी काम कार्य चल रहा है। इन 10 वर्षों में पिछले के प्रधान रहे, आप इनसे कितना संतुष्ट हैं? भाई इनसे हम बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं और हमने इसीलिए इन्हें प्रधान बनाए, कोई पढ़े लिखे फैमिली के अच्छे यानी कि प्रधान है, अच्छे यानी कि फैसिलिटी देंगे, विकास करवाएंगे, उसमें बहुत अच्छा यानी कि योगदान, अच्छा काम चल रहा है। क्या बन रहा है ये जी? वो बन रहा है पुस्तकालय भवन का निर्माण चल रहा है। इस पे तो पहले विवाद भी हुआ तो फाइनल हो गया? हाँ जी, विवाद हुआ, फाइनल होगा। तहसीलदार के भी कागज साहब हुए हैं, उनसे बात करी हुई है दोनों पार्टी से और SDM साहब से बात करी गई है, सबसे बात हुई पड़ी है, इसके सबके कागज हैं उनके पास प्रधान जी के पास। चलिए, आपका क्या नाम है? जगबीर सिंह। चौधरी साहब ये बताइएगा कि क्या नाम है, कितना संतुष्ट हैं आप? हम तो बहुत संतुष्ट है जी, तो विकास हम तो इतने संतुष्ट है। हमारे एक हमारा तो मकान भी गिराया पहले ही जी, मकान में इस तरह का ढलाव है, अगर पानी लगाते 4-3 घंटे की बजाय 4 घंटे 1 घंटा पानी गर्म चला जाए। तो पानी के लिए वाटर कूलर लगा हुआ है यहाँ? हाँ जी, पीने की सुविधा अच्छी है, बढ़िया पानी दो है। वाटर कूलर आपके? हाँ, लगा हुआ है। चल रहा है या बंद? चल रहा है। एक स्कूल में है और एक यही लगा हुआ, बढ़िया काम चल रहा है। तब से हमारा उचित ध्यान उस तरफ है और कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो उसका निवारण कराया जाता है
और ऐसे क्या विकास कार्य अब आप करवाने जा रहे हैं, जैसे कि पार्क वगैरह बच्चों के लिए? सबसे पहले हमारी जो, जैसे कि हम पहले से अपने मैनिफेस्टो में हमने लिखा था कि अगर हम प्रधान बन जाते हैं तो हमारा सबसे पहला ध्यान जो केंद्रित रहेगा वो रहेगा शिक्षा के ऊपर। जैसा कि आपको हम बताना चाहते हैं कि अभी हमने पुस्तकालय के लिए डिमांड दी हुई है, उसके लिए भूमि हमने चिन्हित कर ली है, भूमि को आरक्षित किया जा रहा है पुस्तकालय के लिए। तो पहला कार्य तो हमारा शिक्षा के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का है। दूसरा, हमारे गांव में मॉडल पार्क का कार्य स्टार्ट हो जाएगा कल से, जो कि जूनियर हाई स्कूल से पहले जो जमीन वहाँ पर है उसमें मॉडल पार्क बनेगा पूरे गाँव के लिए, जिससे गाँव के लोगों को भी सुविधा मिलेगी और जो गाँव के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं या हमारे जो अध्यापक हैं उन सबको भी इस बारे में उसका उपयोग कर सकते हैं और एक तरह से रिफ्रेशमेंट होगा सबके लिए। एक सामाजिक टॉयलेट बना हुआ था लोगों के लिए, वो हमने अक्सर देखा है वो बंद रहता है, आज की क्या कंडीशन है, उसमें कोई नियुक्त हुआ है या नहीं है, आज भी ऐसे ही ताला लगा हुआ है? नहीं, बिल्कुल, वो पहले जैसा कि हमने भी पहले कुछ वीडियोज थी या न्यूज थी जिनमें देखा था कि बंद रहता था, हमारे गाँव को बंद भी रहता था, लेकिन आने इस टाइम पे पिछले 3 महीने से जब से उसको हमारे अंडर में आया है और हमने उसको हैंड ओवर किया है समूह को, जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, तो प्रतिदिन खुल रहा है और उसमें नियुक्त।